खुद को इम्प्रूव करने की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, चाहे आप में जो भी खामियां हो या चाहे आप में जो भी खूबियां हो, इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही सेल्फ लव कहलाता है। सिर्फ परफेक्ट होना ही सेल्फ लव नहीं होता। और एक मिसकंसेप्शन है कि दुनिया में परफेक्ट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। परफेक्ट जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। ना आप परफेक्ट हो ना हम परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो सिर्फ वो परमात्मा है जो ऊपर बैठा है, वो हायर पावर जो ऊपर बैठी है। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आई एम योर होस्ट आस्था, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सेल्फ लव सीरीज चल रही है और सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज की सीरीज़ को फॉलो करना। आप में से बहुत से लोगों के इंस्टा में DM आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरी सेल्फ लव सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो। अभी से ही मुझे सक्सेस स्टोरीज आनी शुरू हो गई हैं कि दी मुझे Day 1 से इतना फ़र्क महसूस हुआ है, Day 2 से इतना फ़र्क महसूस हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए ये सेल्फ लव सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। तो आज है Day 4 जिसमें कि अपन बात करने वाले हैं IM अफर्मेशंस की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं IM अफर्मेशंस कैसे देना है, लेकिन यहाँ सिर्फ देना ही नहीं है, यहाँ IM अफर्मेशंस को एटलीस्ट 24 आवर्स तक आपको अपने मन में रिपीट करना है। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि IM अफर्मेशंस होती क्या है और ये IM अफर्मेशंस आखिर काम कैसे करती हैं। सो IM अफर्मेशंस, जैसे आप वर्ड से समझ रहे हैं कि आपको खुद को कुछ अफर्मेशंस बोलनी है, जैसे कि IM ब्यूटिफुल, IM काइंड, IM loved। इस अफर्मेशंस को आप हिंदी में भी बोल सकते हो और इंग्लिश में भी बोल सकते हो, या फिर आपको जिस भी भाषा में कंफर्टेबल लगे उस भाषा में आप अफर्मेशंस का चुनाव कर सकते हो। सो बेसिकली IM अफर्मेशंस डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके हिट करती हैं। अगर आप मेरे साथ 10 डेज सबकॉन्शियस माइंड सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। 10 डेज सबकॉन्शियस माइंड सीरीज़ में आपको प्रॉपरली हील किया जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया जाएगा। इस 10 डेज सबकॉन्शियस माइंड सीरीज़ में हर दिन यानी कि नेक्स्ट 10 डेज आपको अलग अलग चीज़ों सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ मेडिटेशन, वाइब्रेशनल मेडिटेशन, ऑरा मेडिटेशन और ढेर सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से रोक रही हैं। बेसिकली 10 डेज में रीप्रोग्राम हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर बुकिंग लिंक के साथ प्राइस भी मौजूद है। नाउ बैक टू द वीडियो, IM अफर्मेशंस बेसिकली आपको खुद को ही बोलनी है नेक्स्ट 24 आवर्स तक। सो यहाँ भी स्क्रीन पे कुछ अफर्मेशंस आपको नज़र आएंगी, आप इन अफर्मेशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिखिए इसे अपनी डायरी में लिखिए और फिर डेली इसे रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वो कुछ अफर्मेशंस हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप गूगल की हेल्प से इससे भी शॉर्ट अफर्मेशंस का चुनाव कर सकते हो। अब आपको आज की सीरीज़ में करना क्या है, इन अफर्मेशंस को अपने कॉपी या पेन में, ठीक है, डायरी में लिख लीजिए। उसके बाद इन अफर्मेशंस को डेली रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए अपने मन में। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम काइंड, आई एम काइंड, आई एम काइंड, आई एम जॉय, आई एम जॉय, आई एम जॉय, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। इस तरीके से इन अफर्मेशंस को अपने मन में रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहें सो कोई 2 पर्टिकुलर अफर्मेशंस अपने दिन के लिए चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई 1 सिंगल अफर्मेशंस अपने दिन के लिए चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 अफर्मेशंस यूज़ कीजिए जैसे कि आई एम लकी पर्सन और इसे कंटिन्यू 24 आवर्स तक दोहराते रहिए। फिर अगले दिन के लिए अलग अफर्मेशन चुनिए। ध्यान रखें कोई ऐसी अफर्मेशंस चुनिए जो बहुत ईजी हो और याद करने में भी सिंपल हो। आई एम लकी पर्सन, आई एम ब्यूटिफुल गर्ल, आई एम मनी मैग्नेट, इस तरीके की अफर्मेशंस का चुनाव करिएगा। सो आई होप आपके साथ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे 10 डेज सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मैंशन कर दी है।